यूं तो हम सभी मानते हैं कि हेल्दी और फिट रहना आज के दौर में बेहद जरूरी है, लेकिन स्वस्थ रहने का मतलब सिर्फ हेल्दी फूड ही नहीं है। जरूरी है नेचर से जुड़ी उन बातों का भी ख्याल रखें जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हमारा पहनावा जो उतना ही जरूरी है जितना कि हेल्दी डाइट। किस मौसम में कैसे कपड़े पहनने से हम खुद को बचा सकते हैं नेचर के बैड इफेक्ट से, आइए जानते हैं। हर इंसान की बेसिक ज़रूरतों में से एक ज़रूरत कपड़ा होता है, जो बहुत ज़रूरी होता है। बगैर कपड़े के इंसान सही मायने में सामाजिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमारे समाज की रीति है कि हम कपड़े सही तरीके से पहनेंगे, सही कपड़े पहनेंगे तो हमारी पहचान होगी। लिहाजा कपड़े का ये जानना कि कपड़ा किस तरह का किस मौसम में होना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। गर्मी के मौसम में जो कपड़े का चुनना है हमारे लिए कि हमें किस तरह के कपड़े पहने, उसके लिए ये चाहिए कि सबसे पहले आप एक दिमाग बना लें कि कॉटन के कपड़े गर्मियों में बहुत बेहतर रहते हैं। वो इसलिए भी जब हमारे शरीर में से पसीना निकलता है तो कपड़ा जो है उस चीज़ को सोख लेता है और हमारे स्किन को सूदिंग मिलता है। अगर हमारी स्किन किसी वजह से पसीना आता है और कपड़े हम किसी दूसरे टाइप के पहनते हैं तो उससे हमारी स्किन को कई तरह की एलर्जी हो सकती है, जैसे बॉडी में रैशेज आ सकते हैं, इचिंग हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो सकता है। तो इस तरह की कई एलर्जीज स्किन डिजीज हो सकती हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि जब हम कपड़े खरीदें तो इस बात को दिमाग में ज़रूर रखें कि हमें किस तरह के कपड़े हमारे शरीर पर हमारे मौसम के हिसाब से सही रहेंगे। आजकल जो हम कपड़े पहनते हैं वो दूसरों को देख करके ज़्यादा पहनते हैं और अपना चुनाव उसमें कम होता है। मेरा ये मानना है कि कपड़ा हमेशा आपको अपने आप को अच्छा लगना चाहिए। दूसरा आदमी आपको क्या सोचता है वो हम नहीं पहचान सकते, लिहाजा जो हमको अच्छा लगे, हमारी स्किन के लिए ठीक हो, हमारे शरीर के लिए ठीक हो, वो हमें कपड़े का चुनना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे गर्मियों में हमने बताया कि कॉटन, सूदिंग कॉटन, हल्का बारीक वाला कॉटन पहने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मोटा कॉटन ना पहने, क्योंकि उसमें भी फंगल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। गर्मियों के बाद मौसम बरसात का आता है। बरसात में हम ज़्यादातर जो कपड़े पहनते हैं वो वूलन नहीं पहन सकते, सिल्की नहीं पहन सकते, रेशमी नहीं पहन सकते, क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए बहुत एलर्जिक होते हैं। इस मौसम में कई बार बहुत स्वीटिंग होती है, ह्यूमिडिटी होती है, गर्मी से हमारे शरीर में एलर्जी पनप सकती है और वो ज़्यादा भी हो सकती है। लिहाजा जो गर्मियों के कपड़े हैं हम बरसात में उनको आसानी से पहन सकते हैं। और एक बात का ख्याल और भी रखेंगे कि कपड़ा ये तो चुन लिया कि हम कैसा पहनेंगे, वो कैसा होना चाहिए हमारे शरीर पर, हमारे फुल आस्तीन होने चाहिए, आधे बाजू होने चाहिए, या किस तरह के कपड़े होने चाहिए। बरसात में ख्याल रखें कि कपड़े जितने शरीर पर हाफ आस्तीन पहने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, फुल आस्तीन ना पहने, क्योंकि फुल आस्तीन पहनने से जो गंदगी है कपड़े की या बरसात की उससे एलर्जी हो सकती है, इसलिए आधा आस्तीन कपड़े पहनेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आम जैसे कपड़े बिकते हैं गलियों में, बाज़ारों में और बाज़ार लगते हैं, इनसे कपड़े खरीदना आपके लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि कई बार कपड़े एलर्जी ऐसा करते हैं कि आपको उससे दुगनी कॉस्ट अपने डॉक्टर को देनी पड़ सकती है और अपनी दवाइयों पर ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। लिहाजा हम इस चीज़ को इसलिए कह रहे हैं कि आज मौसम बरसात और गर्मी दोनों का है, हमें कपड़े का पहनने का जो मिजाज होना चाहिए वो उसमें ऐसा होना चाहिए कि वो कूलिंग भी दे और ज़्यादा सूटिंग भी ना करे। हम एक चीज़ और शेयर करते हैं आपसे कि जो हम घरों में अक्सर कॉमन बात है कि बहन भाइयों में और भाई भाइयों में, बहन बहनों में कपड़े शेयरिंग जो करते हैं वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक नहीं है। जो टॉवल शेयर करते हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि अलग अलग इंसान की स्किन अलग अलग टाइप का रोल अदा करती है। कई लोगों की स्किन बहुत एलर्जिक होती है, जल्दी से अडॉप्ट कर लेती है एलर्जी काउंट्स को, और कई लोगों की स्किन की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, तो वो किसी भी तरह का आप कुछ भी पहन लीजिए तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहेंगे बीइंग अ डॉक्टर कि कपड़े शेयरिंग करना अच्छी बात नहीं है। कपड़े शेयरिंग से आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई बार किसी को एलर्जी होती है, वो हिडन एलर्जी ऐसी होती हैं जो आप एक दूसरे को शेयर नहीं करते हो, और वो एलर्जी आपके कपड़ों से दूसरे को जा सकती है। लिहाजा कपड़े अगर शेयर ना करें तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। कपड़े हमें अपने शरीर के हिसाब से बिल्कुल फिट पहनने चाहिए, ना ज़्यादा टाइट होने चाहिए ना ज़्यादा लूज़ होने चाहिए। लूज़ कपड़ों से भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, और
टाइट कपड़ों से कई तरह की एलर्जियाँ होती हैं। टाइट कपड़े पहनने से हमारी स्किन में कई तरह की एलर्जी होती हैं, जैसे नंबर एक अर्टिकेरिया एक डिजीज़ होती है जो रेडनेस हो जाती है और स्किन स्वेलिंग कर जाती है, उसके लिए फिर आपको इलाज कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है।